तो आज का मेरा डे स्टार्ट हुआ है। मैं पौधों को पानी देना स्टार्ट कर दिया है। मुझे एक यहाँ पे देखने के लिए मिला अजीब सा, इसे बोलते हैं गिरगिट, और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आराम ले रहा है। तो मैंने सोचा आज गर्मी भी बहुत है, मैं थोड़ा सा इसे स्नान करा देता हूँ। मेरी गाड़ी आ गया, देखिए गिरगिट को अच्छी तरह से नहलाते हुए। इधर मत आओ गुरु जी, उधर ही नहा लो, नहा लो अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा कैसे गुलाटी मारते हैं। उधर ही रहो, उधर ही आ जाएगा एंजल। गिरगिट बाबा उधर ही रहे, वो नहा लो, नहा नहाई नहाई कर लो। रहना इधर आ जाओ, गिरगिट दादा नहा रहे हैं। अभी देखो ये किसमें से निकलेगा। हाँ ये पुदीना है, एकदम बढ़िया। इधर ये फ्लावर की पौध लगाई थी लेकिन घास बहुत ज़्यादा हो गई है। आम का पेड़ लगाया हुआ है एक छोटा। इधर नहीं, इधर नहीं, क्या हुआ, इधर पो है गिरगिट, इसमें पेड़ पौधे में है गिरगिट। इधर से मत आना, कभी भी काट लेता है। इधर ये रे दो हैं ये। ये मेरे भिंडी के पौधे हैं, भिंडी भी आ गई है। उधर आगे और पौधे लगाए हुए हैं, अमरूद का पेड़ है मेरा। आगे के अभी दिखाता हूँ सारे, पहले मैं यहाँ पे पानी दे देता हूँ। नींबू भी इस बार अच्छा हो गया है मेरा, और ये फ्लावर बाहर गेट के बाहर लगे हुए हैं। और अभी एक बहुत ही अच्छा सा मैंने क्यारी तैयार की है पौधों की, वो दिखाता हूँ मैं आपको। इधर मैं अमरूद की भी तराई कर दूँ, अमरूद भी काफ़ी दिन से धोया नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और इसी के नीचे हमने लगाई है लौकी की पेड़, क्योंकि बाहर जो आती हैं वो केमिकल से युक्त सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल, तो हम जो चाह रहे हैं कि घर की जो सब्ज़ी है वो सारी सब्ज़ियाँ घर की खाएँ। ये देखिएगा खीरे, करेले, तोरी, लौकी, भिंडी सब लगाए हुए हैं इस बार मैंने। तो इस बार की जो फसल है मेरी वो अच्छी होनी चाहिए। 8-10 तरीके की मैंने बेलें लाया हूँ मैं, भिंडी की भी कई सारी वैरायटी हैं, और लौकी भी 4-5 तरीके की लेके आया हूँ। ये देखिए ये है लौकी, और दिखाऊंगा मैं आपको, ये 4-5 तरीके की लौकी ये लगाई हुई है मैंने। और ये देखिए मैंने एक छोटी सी क्यारी बनाई है अनार के पास। ये देखिए सारे पौधे लगाए हुए हैं मैंने, पूरी क्यारी एकदम हरी भरी हो रखी है। और ये अनार पे बहुत ही बढ़िया अनार, और देखिए कितना मेरा पपीते का पेड़ कितना बड़ा हो चुका है। मैंने काफ़ी बार इसके पराठे बनवा के, देखिए पपीते को भी फेल करने वाला है। और मैं इसको डेली पानी देता हूँ। आपको मेरे डेली ब्लॉग में ये पपीते का पेड़ ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इसे बहुत छोटे से पाला है, टूट गया था गलती से मुझसे, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे मैं अच्छे से रखाऊंगा, इसलिए मैं इसे उखाड़ता नहीं हूँ। आज जो मौसम है वो भी बारिश का लग रहा है, आज बारिश आने के चांसेज हैं। देखो क्या होता है, अभी तोरी पे फूल आना स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में छोटा मोटा अगर कोई बगीचा सा है तो आप उसमें खुद की सब्जी लगाएं। और देखिए बोलते हैं काम कर, ये देखिएगा ये भी गर्मी में बेचारे परेशान हुए हैं। धूप ज़्यादा, टेम्परेचर आज हमारे यहाँ भी 37 डिग्री तक पहुँच गया था। दिल्ली में आज मैंने सुना है कि 45 से 46 डिग्री है, न्यूज़ में देख रहा था मैं सुबह। और ये देखिए फिर भी मैं यहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं तो मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है, ठंडा सा, तो ये अमरूद का पेड़ तैयार हो जाएगा। इसके नीचे सफाई रखेंगे तो ये भी काफ़ी ठंडक देगा। और खाने के लिए अमरूद तो आप देख ही रहे हैं कि कितने आए हुए हैं।
और लौकी का पेड़ मेरा इसी पे चढ़ाना है मुझे, ये टारगेट है मेरा। और ये देखिए गेंदे के कितने वो लगाए हुए हैं प्लांट। अब देखिए ये मेरी क्यारी है, इसमें मैं नए नए पौधे लाया हुआ हूँ, हालांकि लगाने के बाद सूख गए हैं, लेकिन ये क्या धीरे धीरे अभी हरे होंगे। अभी देखिएगा ये सिंगल सिंगल पौधे हैं सारे, और इसमें घास बहुत हो जाती है। मैं कोई खाद वगैरह यूज नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं है ना इसकी सिर्फ नराई करता रहता हूँ जब जब मुझे ऑफिस से टाइम मिलता है। अभी ये गेंदे का नया पौधा लाया हूँ, देखिए वो गेंदे का पौधा टूट गया आज, गलती से मेरी बिटिया ने तोड़ दिया है। और ये वाला एक प्यारा पौधा है, ये सूरजमुखी का पौधा लाए थे, वहाँ पे इतना अच्छा खिल रहा था, यहाँ पे आने के बाद में गमले में लगाने के बाद पता नहीं इसे भी क्या हो गया, ये भी एकदम से मुरझा गया है। ये एक और अमरूद का पौधा लगाया है, क्योंकि ये देखे रहना बार बार इसने इस पौधे को आचटका दिया है, तो सीधा करेंगे क्या बेटा, है ना आवाज लगाते हुए। यह देखिए गेंदे की कितनी अच्छी, और तुलसा माता जी हैं, और देखिए कई सारे पौधे हैं, और ये पूरी क्यारी बनी हुई है। टमाटर भी अभी मैंने लगाए थे, टमाटर के गुच्छे भी लगे हुए हैं कुछ, और देखिए इस पे खीरे की बेल पे खीरे आ चुके हैं छोटे छोटे, जब वो पढ़ेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, अभी तो खैर नहीं है। और देखिए गेंदे के फूल पर देख रहे हो, ये गेंदे का फूल आया हुआ है, और ये देखिए पूरा बगीचा है जैसे ही तैयार होगा आपको अपडेट देते रहेंगे डेली घर का बगीचा।